तो वहीं जोधपुर शहर में ऑटो चालक की ओर से की गई लूट का मामला सामने आया। ऑटो चालक ने बुजुर्ग और युवक को गंतव्य तक छोड़ने के बजाय सुनसान जगह पर ले जाकर हजारों रुपए और मोबाइल लूट लिए। तो वहीं वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भगत की कोठी थाना पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये लूट की घटना की जब इतला मिली तो उसमें पता चला कि एक टैक्सी वाले ने सवारी के साथ लूटपाट कर ली है, उसके साथ गला दबा के उसमें मैन हैंडलिंग करके वो नंबर वगैरह मिल नहीं पाए। और जिस जगह की घटना है सुनसान एरिया में थी, हमने काफ़ी प्रयास किया लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर इसके हुलिये की, जहाँ से रेलवे स्टेशन से बैठा था टैक्सी में, एक हुलिया दिखा, उसमें नंबर नहीं दिखे। तो उस हुलिये के बेस पर हमने शहर के सभी टैक्सी स्टैंड पर और जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनसे लगातार संपर्क करके, बात करके, पूछताछ करके आखिरकार इसके मालिक का पता किया। और मालिक की इतला पर कि ये टैक्सी तो फलां आदमी को किराए पे दे रखी है, हमने आरोपी को